हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होली के बाद स्किन का कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि होली कलर्स की वजह से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, स्किन फ्लेकी हो गया है। अगर आपका कलर्स जो आप यूज कर रहे हो होली में ऑर्गेनिक भी है, तब भी स्किन थोड़ा बहुत खराब तो हो जाता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू टेक केयर ऑफ योर स्किन आफ्टर प्लेइंग होली। दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए लेट्स डू सम स्किन केयर टुडे। जो भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टाई माई हेयर। हेयर सिक्योर हो गया है, अब हम स्किन केयर करेंगे। फॉर फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू यूज कॉटन पैड। तो इस कॉटन पैड की मदद से मेरे स्किन को क्लीन करूंगी अच्छी तरीके से। पहले तो इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज जस्ट आई एम गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ इट। अगर आपके स्किन पे मेकअप है और नहीं भी है तब भी क्लींजर यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट स्किप दिस स्टेप। फेस वॉश करने से पहले मैं इस तरीके का माइसेलर वाटर और क्लींजर से अपने स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फेस वॉश करती हूँ। सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू यूज माय नेक्स्ट क्लींजर, जो कि एक फेस वॉश। सो इससे मैं मेरे स्किन को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। So I'm going to take a little bit of it, just this much. You can see the spots. ये acne का जो है, acne और rashes जो था मेरे skin पे, उसके जो है ये spot है। तो इस पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम के लिए ये वाला फेस वॉश बहुत ही अच्छा सा एक फेस वॉश है, आप ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हो। आपका रेगुलर जो फेस वॉश है वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरा स्किन सेंसिटिव है एंड थोड़ा सा एक्ने भी कभी कभार आ जाता है, तो ये वाला फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा जेंटल माइल्ड सा एक फेस वॉश है। वो मेरा जो भी पिंपल है उसे हर्ट नहीं करता है और स्किन को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी कर लेता है। नाउ माय स्किन इज कम्प्लीटली क्लीन। इसके बाद आई एम गोइंग टू स्क्रब माय लिप्स विद स्किन के साथ साथ लिप्स का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीक में 2 से 3 बार लिप स्क्रब करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर लिप स्क्रब से लिप लाइटनिंग भी होता है, जो भी हमारे लिप्स पे ड्राई और फ्लेकी स्किन होता है वो निकल जाता है, लिप्स मॉइस्चराइज रहता है और साथ साथ लिप के जो कलर है वो भी लाइटन करने में ये हेल्प करता है। सो एज द इंस्ट्रक्शन मैं इसे मेरे लिप्स पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, तुरंत ही इसे रिमूव नहीं करूंगी। सो तब तक फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू स्क्रब माय फेस। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस फेस स्क्रब। आई एम जस्ट टेकिंग दिस मच। यू नीड टू वेट योर फेस बिफोर स्क्रबिंग एंड ऑलवेज बी जेंटल। जेंटली आपको फिंगर की मदद से फेस को स्क्रब करना है। डोंट गेट टू हर्श, अदरवाइज स्किन डैमेज हो सकता है, तो ये ध्यान में रखें। ये वाला जो फेस स्क्रब है ये बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव एक एफोर्डेबल सा फेस स्क्रब है, जो कि है बायोटेक का। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। So before going to next step, I'm applying a lip balm. Up next, I'm going to use a face pack. For that, I'm going to use this face pack. This is a very good face pack I have ever seen. If you have tanning, if you have acne prone skin, this is the face pack you need. It works beautifully on my skin. I'm going to repurchase it and this time I'm going to buy the full size of it because this is a very good face pack.
सो लीव इट फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट। फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू यूज अ टोनर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ इट। After that I'm going to use sheet mask, and for that I'm going to use this sheet mask. ये मेरा मतलब फेस से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इस काट के इसको ठीक तरीके से लगा लिया। So now I'm going to use this lip balm. I like to use tinted lip balm, that's why I am using this. You can use any. You can see the instant result. So here I want to tell you something, that is main is particular process jo hai स्किन केयर प्रोसेस वो मैं नाइट टाइम में करना पसंद करती हूँ, पर अगर आप दिन में कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सब स्टेप्स के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। आई लाइक टू डू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस एट द नाइट टाइम, क्योंकि इसके बाद मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मैं नाइट क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। ये सीरम जो है वो इनफ है स्किन के लिए, और सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा प्लम्पी और स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगता है, इसलिए अभी इसे नाइट टाइम में कर सकते हो और दिन में भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वन देन गिव इट अ लाइक। आई पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट, एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।